कौन करो मेरी आएगा। आज कृतकाली ने मुझे कैद कर लिया है मेरी आका। कृतकाली महोत्सव बाल उत्सव में आया हुआ हूँ। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक दूँ तो खाक हो जाता है, निकल जाऊँ तो पानी बन जाता है मेरी आका। इतना बदनाम हो चुका हूँ कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। और जब फिल्में नहीं थी, फिल्म जगत की शुरुआत नहीं हुई थी, तो लोग डब्बा में गांव में आके धान और चावल, लोग बुजुर्ग लोग बता रहे थे मेरे स्टॉल पे आगे कि जब पैसे कम नहीं थे तो घर से माँ से बोलते थे कि चावल गेहूँ धान जो भी हो दे दो। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए आज चाचा नेहरू का जयंती है और ऐसे में आज बाल दिवस के मौके पर कई सारा कार्यक्रम आज किलकारी में अरेंज किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए बायोस्कोप अब विलुप्त होता नजर आ रहा है और ऐसे में किलकारी में आपको देखने को मिल जाएगा बायोस्कोप। और हम आपको एक खास इंसान से आपको मिलाएंगे जो आज जिनके अवतार में है, आप फिल्मों में देखा करते होंगे। हुक्म मेरे आका का डायलॉग आपने सुना होगा, तो देखिए यहाँ पे जिन है हमारे साथ। जिन जी, क्या कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए आज? आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कौन करो मेरी आयका। आज कृतकाली ने मुझे कैद कर लिया है मेरी आयका। कृतकाली महोत्सव बाल उत्सव में आया हुआ हूँ। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक दूँ तो खाक हो जाता है, निकल जाऊँ तो पानी बन जाता है मेरी आका। वाह क्या बात है। किस तरह का आपने डायलॉग सुना है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जिन जो बोलते हैं हुक्म मेरे आका और थूक देता हूँ तो खाक हो जाता है, और किस तरह का डायलॉग आपने बोला? हुसन देते हैं दावते जलवी, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, इतना बदनाम हो चुका हूँ कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। मैं दौसा जिला बांदीपुर से आया हूँ, जयपुर राजस्थान से। किलकारी महोत्सव में बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हो रहा है और ये बायोस्कोप और यहाँ की जो पब्लिक, यहाँ का जो बाल उत्सव जो मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा आनंद का कार्यक्रम है। और मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। देखिए हम उन मैडम से भी मिलवाएंगे जो बायोस्कोप दिखाते हैं, और कई जगह कार्यक्रम जब होता है तो वहाँ पे भी इनका बायोस्कोप जाता है। ये मैडम कब से ये काम आप कर रही हैं, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है और इसको आप जिंदा रखे हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये का बायोस्कोप मैंने लास्ट ईयर दशहरे से ये स्टार्ट किया है, और लॉकडाउन में जब हम लोग बैठे हुए थे तो सोच रहे थे कुछ किया जाए कुछ किया जाए, और ये एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये एक छोटा ही बिजनेस है मेरा बायोस्कोप का, और ये विलुप्त होता चीज है और एक सांस्कृतिक से जोड़ता है हमारे भारतवर्ष को, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भारतवर्ष को, बिहार को एक विलुप्त चीज को दिखाया जाए कि नहीं ये चीज भी हमारे परंपरा में है बायोस्कोप। और जब फिल्में नहीं थी, फिल्म जगत की शुरुआत नहीं हुई थी, तो लोग डब्बा में गांव में आके धान और चावल, लोग बुजुर्ग लोग बता रहे थे मेरे स्टॉल पे आगे कि जब पैसे कम नहीं थे तो घर से माँ से बोलते थे कि चावल गेहूँ धान जो भी हो दे दो, तो उसके बदले में हम लोग बायोस्कोप देखते थे और एक रोजगार हो जाता था और लोगों के घर में खाने का व्यवस्था भी हो जाता था। तो वही अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो कैसे करेगा? मेरा नंबर है, मैंने मेरा नाम रूपाली है और जी मैं 34A कस्तूरबा पथ जमुना अपार्टमेंट बोरी रूम पटना में मेरा ऑफिस है, और वहाँ पे मैं और इस पते पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप बायोस्कोप लगवा सकते हैं। और मैं बहुत जगह सोनपुर मेला, अभी डिज्नीलैंड मेला और ये पुस्तक मेला, बुक फेयर, नेशनल लेवल का बुक फेयर गांधी मैदान में लगा हुआ, मैं बायोस्कोप चलवा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा चीज़ है ये बायोस्कोप। जिस समय फिल्म नहीं हुआ करता था उस समय ग्रामीण इलाके में ये बायोस्कोप देखा करते थे लोग, और उसके बदले में अनाज लेकर के दिखाया जाता था, कोई चावल दे दिया, कोई गेहूँ दे दिया, कोई धान दे दिया, उसके बदले में ये फिल्म देख लेते थे और आनंदित होते थे लोग। और आज ये विलुप्त होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मेरा कल्चर है, ये मेरा
संस्कृति है उसको जोड़ती है, हमारे ग्रामीण परिवेश को दिखाने का काम करती है, और वही चीज़ को मैडम आज जिंदा रखी हुई है। और कई जगह इनका स्टॉल लगता है और ये बायोस्कोप दिखाती हैं। अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो डेमोक्रेटिक लाइव के पेज पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको मैडम से संपर्क हो जाएगा। तो आप इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।